नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांताह नामक पाठ का लिखित अनुवाद देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपने इस नोट्स में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पंचशील सिद्धांताः, जिसका मतलब होता है पंचशील सिद्धांत, ठीक है। अब पंचशील सिद्धांत क्या है, इस चैप्टर में अच्छे से बताया गया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पंचशीलम इति। पंचशीलम इति का मतलब ये है कि पंचशील, ठीक है, पंचशील। शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार विषय का मतलब शिष्टाचार से संबंधित, शिष्टाचार विषय का मतलब शिष्टाचार से संबंधित। सिद्धांता मतलब सिद्धांत है। तो पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत हैं, ठीक है। पंचशील जो हैं वो शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत हैं। आगे है महात्मा गौतम बुद्धः एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान शास्ति इस्म। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान माने इन, पंचापि माने पांच, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांच सिद्धांतों को पंचशीलम इति मतलब पंचशील के नामना मतलब नाम से स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को शास्ति इस्म मतलब अध्ययन कराया या उपदेश दिया था, ठीक है। किन उपदेशों को मतलब किन सिद्धांतों को उपदेश दिया गया, ये नीचे पांच लिखे गए हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने इन पांच सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को शास्ति इस्म मतलब उपदेश दिया था या अध्ययन कराया था, ठीक है। आगे देखिए, अत एव मतलब इसलिए, अयम माने यह, शब्दा माने शब्द जो हैं, इसलिए यह शब्द जो हैं, अधुना अपि मतलब आज भी, तथैव मतलब उसी प्रकार, स्वीकृता मतलब स्वीकार कर लिए गए हैं, इसीलिए उनके द्वारा दिए गए जो शब्द हैं आज भी उसी प्रकार स्वीकार कर लिए गए हैं। इमे मतलब यह, सिद्धांता मतलब सिद्धांत, क्रमेण मतलब क्रम से, एवं माने इस प्रकार, संति माने हैं, यानी गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए वो क्रम से इस प्रकार हैं, ठीक है। अब कौन से हैं आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक है। दूसरा उपदेश दिया उन्होंने सत्यम, यानी सदा सत्य बोलना। तीसरा उपदेश दिया अस्तेयम। अस्तेयम मतलब चोरी ना करना। चौथा उपदेश दिया अप्रमादः। अप्रमादः मतलब प्रमाद ना करना, अर्थात आलस्य ना करना, ठीक है। पांचवा ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्यम मतलब ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। ये पांच सिद्धांत गौतम बुद्ध ने दिए थे। आगे देखिए, लिखा गया है बौद्ध युग में मतलब बौद्ध धर्म में, इमे माने यह, सिद्धांता मतलब सिद्धांत जो हैं, वैयक्तिक जीवनस्य मतलब व्यक्तिगत जीवन के, वैयक्तिक जीवनस्य मतलब व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थानाय मतलब उन्नति के लिए प्रयुक्ता आसन मतलब प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि बौद्ध युग मतलब बौद्ध धर्म में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्य मतलब परंतु, अद्य माने आज, परंतु आज, इमे माने यह, सिद्धांता मतलब सिद्धांत जो हैं बौद्ध धर्म में, ये सिद्धांत जो हैं व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त होते थे, परंतु आज ये सिद्धांत जो हैं राष्ट्राणाम मतलब देशों के, ठीक है, राष्ट्राणाम मतलब देशों के परस्पर मैत्री सहयोगेन कारणानि का मतलब ये है, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, मैत्री मतलब मित्रता, ठीक है। परंतु आज ये जो पंचशील सिद्धांत है ना, ये देशों के परस्पर मैत्री माने आपसी मित्रता और सहयोग माने सहयोग का कारणानि माने कारण है, यानी ये जो पंचशील सिद्धांत हैं ये आज देश विदेशों के आपसी मित्रता और सहयोग का कारण है। क्योंकि पंचशील सिद्धांत नहीं होते तो कोई भी देश किसी का सहयोग नहीं करता, कोई भी देश किसी के साथ मित्रता नहीं करता, यानी ये पंचशील सिद्धांत ही आपसी मित्रता और सहयोग के कारण हैं, ठीक है। विश्व बंधुत्व माने विश्व बंधुत्व के
चा माने और विश्व शांति मतलब सांसारिक शांति यानी विश्व बंधुत्व यानी भाईचारा और विश्व शांति मतलब सांसारिक शांति के साधनानि माने साधन संति माने हैं। ये पंचशील सिद्धांत जो हैं विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। ठीक है, मैं एक बार में आपको यहाँ तक पूरा पढ़ाऊंगा, फिर दूसरे बार में पूरा फिनिश कर देंगे। लिखना यहाँ पर तक पढ़ाने के बाद ही लिखना दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है राष्ट्रनायकस्य मतलब राष्ट्रनायक, राष्ट्रनायकस्य मतलब राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य मतलब श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले मतलब प्रधानमंत्री के समय में यानी जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय चीन देशेन मतलब चीन देश के सह माने साथ भारतस्य माने भारत की मैत्री माने मित्रता जो थी यानी कि जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व के एक समय में चीन देश के साथ जो भारत की मित्रता थी वो पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य मतलब पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही एव अभवत माने एव माने ही भवत माने थी। देखिएगा समझिएगा, चीन देश के साथ भारत की जो मित्रता थी वो पंचशील सिद्धांतों के अधिकृत्य मतलब आधार पर एव माने ही अभवत माने थी। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही थी। यतो ही मतलब क्योंकि उभावपि माने दोनों ही देशों माने देश जो थे, दोनों देश कौन से भारत और चीन, दोनों ही देश जो थे बौद्ध धर्म में मतलब बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों मतलब निष्ठा रखते थे, विश्वास रखते थे, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे। ठीक है, आधुनिके जगति माने आधुनिक जगत में आधुनिक समय में आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत जो हैं नवीनम, नवीनम मतलब नए, राजनैतिकम मतलब राजनैतिक, स्वरूपम मतलब रूप में गृहीतवंतः माने स्वीकार किए गए हैं। यानी जो प्राचीन बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत थे आधुनिक जगत में वो नए राजनीतिक रूप में स्वीकार किए गए हैं। चलिए यहाँ तक का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों एक तरफ लिखना है पंचशीलम इति शिष्टाचार, दूसरी तरफ स्वरूपम गृहीतवंतः डैश डैश करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांच सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह शब्द अब भी वैसे ही स्वीकृत हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना तथा ब्रह्मचर्य। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। ठीक है, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। मैत्री की जगह पर आप मित्रता भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे लिखा गया है एवं चा व्यवस्थिता, चा माने और, एवं माने इस प्रकार, व्यवस्थिता मतलब व्यवस्थित हैं। कौन व्यवस्थित हैं? पंचशील सिद्धांत यानी आधुनिक समय में जो पंचशील सिद्धांत हैं, एवं माने इस प्रकार, व्यवस्थिता मतलब व्यवस्थित हैं। किस प्रकार, देखिए पहला है किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम माने राष्ट्र यानी कोई भी देश जो है, कस्य देखिए कस्यचन मतलब कस्यचन अन्यस्य, कस्यचन अन्यस्य मतलब किसी अन्य, कस्यचन अन्यस्य मतलब किसी अन्य, राष्ट्रस्य मतलब देश के, आंतरिकेषु मतलब आंतरिक, विषयेषु मतलब विषयों में, कीदृशम अपि माने किसी भी प्रकार का, व्याघातम मतलब हस्तक्षेप, ना करिष्यति मतलब नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है पहला पंचशील सिद्धांत क्या है आधुनिक समय का, कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक राष्ट्रम मतलब प्रत्येक देश, परस्परम मतलब आपस में या कह लो आपसी, प्रभुसत्ताम मतलब प्रभुसत्ता, प्रत्येक देश जो हैं परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिकी अखंडताम, चा माने और। ठीक है, यानी प्रत्येक देश पारस्परिक प्रभुसत्ता और
प्रादेशिकी अखंडता को, यानी जो प्रदेश है उस देश में उनकी अखंडता का सम्मान, सति माने सम्मान करेगा, ठीक है। यानी प्रत्येक देश जो है पारस्परिक प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, प्रत्येक राष्ट्रम मतलब प्रत्येक देश परस्परम माने एक दूसरे के साथ, समानताम मतलब समानता का, व्यवहरिष्यति माने व्यवहार करेगा, ठीक है। किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम माने देश जो है, अपरेण मतलब दूसरे, कोई भी राष्ट्र यानी कोई भी देश जो है दूसरे देश के ऊपर ना आक्रंस्यन्ते, ना आक्रंस्यते मतलब नहीं आक्रमण करेगा, यानी कोई भी देश जो है दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, ना आक्रंस्यते लिखा है ना, मतलब नहीं आक्रमण करेगा। आगे लिखा गया है सर्वान्यपि माने, सर्वान्यपि माने सारे ही या सभी, राष्ट्राणी माने देश जो हैं, मिथा माने मिल करके, यानी सभी देश मिल करके, स्वाम स्वाम मतलब अपनी अपनी, प्रभुसत्ता मतलब प्रभुसत्ता या स्वामित्व, ठीक है, प्रभुसत्ता मतलब प्रभुसत्ता या स्वामित्व, यानी प्रत्येक राष्ट्र मिल करके अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षिष्यन्ति माने रक्षा करेंगे, ठीक है, प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। और विश्वस्य यानी राष्ट्राणी शांति इच्छन्ति, विश्वस्य माने संसार के, यानी माने जो, राष्ट्राणी माने देश, शांति इच्छन्ति माने शांति की इच्छा करते हैं, यानी संसार के जो देश शांति चाहते हैं, तानी माने वे लोग, ईमान माने इन, नियमान माने नियमों को, अंगीकृत माने स्वीकार करके, वे देश इन नियमों को स्वीकार करके, पर राष्ट्रीय सार्थम मतलब परराष्ट्रीय मतलब दूसरे राष्ट्र माने दूसरे देश के, सार्थम माने साथ, यानी वे देश इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे देश के साथ स्वमैत्री भावम मतलब अपने मित्रता के भाव को दृढ़ी कुर्वन्ति माने मजबूत कर सकते हैं। यानी कि विश्व के जो देश शांति की इच्छा रखते हैं यानी शांति चाहते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार करके परराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश के, सार्थम माने साथ, स्वमैत्री भावम मतलब अपने मित्रता के भाव को दृढ़ी कुर्वन्ति माने मजबूत कर सकते हैं। चलिए अब लिखित अनुवाद देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक तरफ लिखना है एवं च व्यथिता, दूसरी तरफ दृढ़ी कुर्वन्ती डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वत, यानी पहले वाले में जो संदर्भ था सेम वही यहाँ पे लिख लेंगे। अनुवाद में लिखेंगे वे यानी पंचशील सिद्धांत इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। कौन से हैं देखिए, पहला है कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। चौथा, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा, सारे ही राष्ट्र परस्पर मिलकर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्व में जो शब्द शांति, जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भाव को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आज का ये चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं, लर्न विथ RP लिखें, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।